हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ कार सेलर सिमुलेटर 2023। पिछले वीडियो में आप सबको याद होगा कि हमने जो है एक डॉज चिल्डर खरीदी थी। डॉज चिल्डर, अब मुझे मेन जो है ना असली नाम तो सही तरह नहीं पता, बट डॉज नाम इतना मुझे पता भाई, वो मैंने खरीदी थी भाई। बट वो तो सेल नहीं हुई थी, उससे पहले मैंने ऑडी खरीदी थी, वो जो है सेल हो गई थी। तो यहाँ पर हमने एक और कार खरीद ली है, जी वैगन, इसको लेकर चलते हैं। ब्लैक कलर की जी वैगन है भाई, काफ़ी कातिल लग रही है। आपको लग रहा होगा भाई इतना पैसा था एक जी वैगन कुछ पैसों के लिए, तो उससे जो है $2,860 बचे हुए हैं। तो भाई ये आगे आपको पता लग जाएगा, अभी तो आपको पता नहीं लगा, बट आगे जब आप देखेंगे वीडियो आधी वीडियो तक आपको पता लग जाएगा कि क्यों मेरे पास इतना पैसा रह गया। तो भाई चलो लेकर चलते हैं इस कार को भी जल्दी से हम अपने शोरूम तक। मंडे का दिन चल रहा है भाई, 9:42 हो गए हैं। अब तो ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहे हैं, वो मेरे जो है ना 10 से आगे निकलते जा रहे होंगे, ये ना कहना गलत बता रहा टाइम भाई। तो भाई यहाँ पे हम जो है शोरूम में पहुँच गए हैं और इससे अच्छे तरीके से पार्क करते हैं। तो भाई एक बार रिपेयर वाले के पास लेकर जाते हैं कितने पैसे लगते हैं। अगर 2,860 से कम लगते हैं तो करा लेते हैं, क्योंकि भाई इतना पैसा ही कोई नहीं रिपेयर कराने के लिए, क्योंकि मैंने जो है ना कार ख़रीद ली हुई है महंगी सी अच्छी खासी। तो यहाँ पूछते हैं इससे कितने में सेल कार है भाई, उतने में ले जाते हैं इसे। भाई 8,000 में रिपेयर कर रहा है, अबे जा काम कर अपना यार, क्या भाई इतना ज़्यादा महंगी सेल हो रही है भाई, पैसा ही कोई नहीं जेब में और ये इतनी महंगी जो है ना ये रिपेयर कर रहा है। यहाँ पर अच्छे तरीके से खड़ी कर देते हैं भाई, सीधी करके खड़ी करनी है, दूसरी तरह नहीं। यहाँ पे अभी रोड पे ही खड़ी करते हैं भाई, थोड़ी लुक शुक लेते हैं यार। यहाँ पे खड़ी करते हैं, कस्टमर्स भी डॉज इधर के आ रहे हैं, तो भाई उधर चलते हैं डॉज के पास। अगर नहीं बिकती तो उसे भी ला के इधर खड़ी करेंगे भाई, अच्छा व्यूज़ लेंगे, दोनों का साथ में व्यू लेंगे भाई। 55 दे रही है, नहीं भाई नहीं 55 नहीं 52 भाई, 55 से भी कम है यार, 52 तो भाई बहुत कम है यार। सेल कार जो है ना डॉज किलर को पहले सेल से हटाते हैं और उस जगह लेके जाके खड़ी करते हैं भाई। यहाँ पे देख सकते हैं ये कार हमारी अभी तक नहीं बिकी भाई, कब से लगाई हुई है, बट ये भाई बिकने का नाम ही नहीं ले रही यार। 60 तक भी बिक जाए ना, या फिर यार 65 तक बिक जाए तो यार अच्छा है यार, इतना यार 55 तक कर रहे हो, 55 तक तो नहीं यार, बहुत कम है 55। अरे भाई इसको क्या मसला है जी वैगन को, चलो सही है अभी देखते हैं, अभी इसको अच्छा सा व्यू लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से देखो भाई अच्छा खासा व्यू आ रहा। तो भाई जो हमारे पास पैसे कम इसलिए है क्योंकि हमने एक और कार खरीदी थी, वो भी रेजिडेंटल एरिया में ही पड़ी हुई है, तो उसे हम लेकर जो है ना अपने शोरूम पर पहुँचते हैं। यहाँ पर जो है ना 12 बज गए हैं और लेकर चलते हैं अपनी कार को फटाफट से शोरूम में, शोरूम पहुंच कर ही मिलते हैं आप। तो भाई हम यहाँ पे जो है ना रिपेयर वाले के पास पहुंच गए हैं, यहाँ से पता करते हैं कितने पैसे ले रहा है इसके, क्या पता कम ले, क्योंकि भाई ये जो है ना थोड़ी डैमेज लग रही है मुझे, तो हो सकता है 2,800 के अंडर हो जाए, बट भाई $4,000 ले रहा है यार, ये तो भाई यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है भाई, इतने ज़्यादा पैसे कौन लेता है यार रिपेयर करने के। इधर तो मैं लुट जाऊंगा यार, बर्बाद हो जाऊंगा यहाँ पे। चलो यार जल्दी जल्दी बेचनी पड़ेगी कारों को यार, ये भी अब दिन देखना पड़ना था। यहाँ पे एक बार इसे भी खड़ा करके तीनों की जो है ना लुक लेते हैं भाई, थंडर भी बन जाएगा हमारा, बाकी चीज़ें भी जाती रहेंगी। चलो भाई यहाँ पे जो है ना अच्छे तरीके से ला के तीनों के, मतलब वो जो दो खड़ी हुई हैं उसके साथ जाके इसको भी खड़ी कर देते हैं। यार भाई ये क्या मसला है, मुझे दूसरी साइड खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ से जो है ना हट जाता है, बट लुक तो आ गई है भाई। इसे जाके अब खड़ी करते हैं, क्या कहते हैं अपनी जो है ना पार्किंग लॉट में, ताकि इसको जाके हम सेल कर सकें। बट यहाँ पे जो है ना दोबारा से दूर से भी लुक ले लेते हैं, क्योंकि करीब से भाई ये जो है ना ये यहाँ पे भागने वाले जो आइकन आते हैं भाई, ये भी आ जाते हैं तो सही थंबनेल बन पाता, तो ये साइड वे हर तरफ से व्यू ले जाता है भाई, हर तरफ से हमने व्यू ले लिया, ले लेता नहीं भाई, ले लिया साइड व्यू भाई, बैक व्यू, फ्रंट व्यू, सब जगह से ले लिया भाई। यहाँ पे अच्छे तरीके से पार्क करते हैं पहले अपनी डॉज की चिलर को, जो है ना डॉज कब से लगाई हुई है बट डॉज बिक नहीं रही यार। चलो भाई इसको फिर दोबारा से लगाते हैं यहाँ पे सेल कार, पहले यार कार ले लेते हैं, सारी लगा देते हैं पार्किंग में, ले लेते हैं क्या इतना पैसे ही नहीं, और कार ले लें भाई।
अभी जो है रिपेयर कराने तक का पैसा नहीं यार, कार या लेंगे हम, रिपेयर कराने का तो पैसा हो यार। यहाँ पे जो है ना 15 जो है मतलब 3 होने लगे हैं इसके हिसाब से, 15 बज गए हैं गेम के हिसाब से, मतलब दूसरे 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से 13 बज गए हैं। हमारी जो है लास्ट कार यहाँ पे रोड पे खड़ी हुई है भाई, इसे भी लेके जाकर खड़े करते हैं भाई। मुझे पता नहीं अब रिपेयर कराए बगैर ये उतने में बिकेगी कि नहीं, जितने मैं प्राइस डालूंगा, पर चेक करते हैं रिपेयर कराए बगैर भी बिक जाती है तो भाई अच्छा ही होगा, हमारे रिपेयर के पैसे भी बच जाएंगे और बाकी हमारी जो है ना सेल भी साथ साथ होती रहेगी। यहाँ पे मैंने तीनों कार्स को पिया जो है पार्क कर लिया है भाई, यहाँ पे जो है ना इनकी प्राइस लगा के आते हैं। अब डॉज चिल्डर हमने जो है ना भाई परचेज प्राइस थी इसकी 55,000, तो इसको हम भाई 75 तक तो बेचेंगे भाई। 75,000 मैंने इसकी प्राइस लगा दी, पिछली बार मैंने 78,000 लगाई थी बट यार नहीं बिक रही थी तो मैंने $3,000 तक कम कर दिए। 125 की यार मैं लाया हूँ इसे, और इसे 175 ही लगानी चाहिए बट 160 की लगा रहा हूँ यार, सोच लेता हूँ 175 की भाई अच्छी है, 170 की लगा देते हैं क्योंकि 75 भाई कोई लेगा ही नहीं आके। मर्सिडीज जी वैगन हमारी आखिरी है जो है 118, मतलब 118 के हम लाए हैं तो 155 की जानी चाहिए भाई, 155 की मैंने लगा दी है। तो यार ये जो है ना डॉज के पहला कस्टमर भी आ गया, डॉज की पहली कस्टमर मतलब लड़की है यार, तो पहली कस्टमर होगी, पहला कस्टमर नहीं हो गए। तो ये हमारा जो है एक और कस्टमर आ गया मर्सिडीज जी वैगन का, 115 दे रहा है भाई, 115 में नहीं यार थोड़ा ऊपर कर यार प्राइस थोड़ी, 115 तो भाई बहुत कम है, 3,000 जितने के हमने लिए उससे 3,000 कम है यार, बहुत ज़्यादा लॉस होगा मुझे यार, इतने ऐसे तो ना करो यार। आगे मैं बड़ी मुश्किल से बार्गेन करके लाया इस कार को, भाई तू कितने दे रहा, 144 भाई इतनी ज़्यादा दे रहा, सही है भाई 153 की दे दे, 155 की दे दे यार, 155 की नहीं दी, 153 लगाते हैं भाई, 153 में दे दे तो भाई बहुत अच्छा होगा, 150 लगा देते हैं, 153 यार नहीं लेगा फिर। चलो भाई फिर मेरी जो है ना बार्गेनिंग वाला सिस्टम जो है ना ख़त्म हो जाना था भाई, एक तो कार मेरी बिक गई भाई, अब जो है ना रिंग्स रहती है R8, मतलब ऑडी R8 रहती है और जो है हमारी डॉज कार रहती है। पहले मैं इसे ऑडी TT बोल रहा था बट अभी मैंने नाम पर गौर किया तो ये ऑडी R8 है भाई, तो इसे जल्दी बिक जाना चाहिए भाई, काफ़ी अच्छी कार है जो है। यहाँ पे डॉज एक तो बिकने रही भाई, 61,000 लगाया है इसने, तो इसे 70 रेट लगाते हैं भाई, 70 तक अभी ट्राई करते हैं, 70 तक बिक जाती है तो भाई अच्छा है यार। तो भाई 70 में तो नहीं बिकी, 64 इसने लगाया भाई, तू 70 में ले जा, 70 यार 6,000 ही तो बढ़ाया मैंने, 70 में नहीं ली यार, और एक तो हैगलिंग भी नहीं कर रहे आगे, मतलब बार्गेनिंग आगे नहीं कर रहे। 50,000 यार बहुत कम लगाया इसने, एक और कस्टमर आया है ये भी आया ना, 53 लगाया इसने भाई, 53 भाई बहुत कम है यार, ये जो है ना ऑडी R8 में जा रहा है, तो ऑडी R8 तो भाई जल्दी बिक जानी चाहिए, पहले ही कस्टमर ले जाए ज़्यादा अच्छा होगा भाई। 158 भाई काफ़ी अच्छी प्राइस लगाई है भाई, 170 लगाते हैं, 173 में जान देते हैं जो हमने पिछली बार प्राइस बोल सोची थी। यहाँ पे भाई 173,000 में बिक गई हमारी ऑडी R8, और भाई सिर्फ जो है ना हमारी डॉज कार रहती है, पिछली बार भी भाई डॉज नहीं बिक रही थी, डॉज इनसे पहले की आई है और अभी तक डॉज नहीं बिकी भाई। 62 भाई इसने ऑफर लगाई है, 70 इसे बोलते हैं, 70 में नहीं मानी भाई यार, ये क्या हो रहा, डॉज क्यों नहीं बिक रही भाई, डॉज में ऐसा क्या है यार, मतलब ऐसी क्या खराबी है, ऐसा क्या है, ऐसा कुछ होता तो भाई जल्दी बिक जाती यार, थोड़ा टाइम जो है ना हम तेज़ कर लेते हैं भाई ताकि जल्दी जल्दी जो है ना कस्टमर आए यार, काफ़ी टाइम मैं वेट कर चुका हूँ, और यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं ऊपर 8 बज गए हैं भाई, मतलब 8 बजने लगे हैं, तकरीबन 7:30 बज गए, और 62,000 वाला एक कस्टमर आया है। 66 जो है ना इसको प्राइस लगाते हैं, 66 में ले जा यार, आराम से ले जा, अबे यार 66 मैंने ली इसने यार, ये क्या बात हुई यार, और कस्टमर्स का इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे, ये तो इधर ही खड़ा हो गया भाई, रिफ्यूज़ किया जब एक बार जा यार, क्या तू खड़ा हो गया, तो भाई और कस्टमर का इंतज़ार करते हैं भाई, एक और कस्टमर आ गया हमारा यार, ये ले जाए तो अच्छा होगा यार, इलीजा भाई ले जाओ यार, 51 ये क्या तूने लगाई है,
थोड़ा और टाइम यार जो है ना फॉरवर्ड करते हैं आगे। तो भाई काफ़ी देर बाद जो है ना एक कस्टमर और आ गई है, 62,000 इसने प्राइस लगाई है। 65 में ले जा या 66 में ले जा यार, जितने में लेके जाना है तो ना ले जा। 66 लगाइए, 65 लगाते हैं अभी से। 65 में तो ले जाना चाहिए भाई, ले गई 65 में भाई जान छुटी। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।